कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन 5 में अब अनलॉक के दूसरे चरण में 8 जून से धार्मिक स्थलों को विशेष व्यवस्थाओं के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई। वहीं केंद्र से मिली छूट के बाद 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि फिलहाल मंदिर समिति को 8 जून से मंदिर खोलने जाने का कोई आदेश नहीं मिला। ऐसे में मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर मनीष सिंह और मंदिर के प्रशासक निगम आयुक्त प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में बैठक के बाद मंदिर खोलने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। यदि मंदिर खोलने की अनुमति मिलती है तो विशेष सावधानियां और सुरक्षा के साथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रवेश और दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए भक्तों के गर्भगृह में जाने पर भी रोक जारी रहेगी। वैसे तो आम दिनों में भी इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन अब कोरोना से सतर्कता के बतौर 1 घंटे में लगभग 20 श्रद्धालु के दर्शन की व्यवस्था की जा सकती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक निर्देश अनुसार मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा सकती है। 8 तारीख के दिन से शुरुआत होना है मंदिरों की, खजराना गणेश मंदिर को खोलने के लिए किस प्रकार के निर्देश अभी प्लान में? जो 8 तारीख का ये सुन रहे हैं कि सभी मंदिरों को खोला जाएगा, खजराना गणेश मंदिर मालवा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी आदेश प्रशासन का या श्रीमान कलेक्टर साहब का ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि अभी मंदिर खोला जाएगा, पर हमारी तरफ से लगभग तैयारियां कर रखी है। हमने कुछ ऐसे पॉइंट बना रखे हैं जो यहाँ प्रबंध समिति की बैठक होगी, पहले बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी है एवं नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल जो है वो यहाँ की प्रशासक है और जब ये मीटिंग लेंगे उसमें निर्णय लेके ही मंदिर को खोलेंगे कि सावधानीपूर्वक कैसे कार्य किया जा सकता है उस प्रकार। तो किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी जो लोग आएंगे अगर मंदिर खुलता है तो जो व्यवस्थाएं रहेगी किस प्रकार से अंदर लोग आएंगे कितने अभी दर्शन कर अभी पाएंगे? हम ऐसा चाह रहे हैं कि रोजाना लगभग मतलब हर घंटे में लगभग 20-25 लोगों को दर्शन कराए जाए। 25-25 लोगों को मतलब एक एक करके डिस्टेंस रख के गोल घेरे बना दिए जाएंगे, ऐसे लगभग 600-700 गोल घेरे बना देंगे। हर गोल घेरे के अंदर से ही आदमी का फीवर नापा जाए, पहले मास्क बांधा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ कराए जाए, उसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जाए और जो वो प्रसाद वगैरह लेके आते हैं वो भी भगवान को खुद ही अपने मन से वो अर्पण करें, भगवान को भोग लगा के ले जाए, पुजारी उनकी तरफ से अंदर पूजन पाठ करते रहेंगे और उनकी मंगल की कामना करते रहेंगे। पुजारी जो यहाँ पर रहेंगे गुरुजी उनसे उनकी किस प्रकार से सेफ्टी रहेगी? यहाँ पर जो पुजारी रहेंगे वो गर्भगृह में रहेंगे, गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु को जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो बाहर एक एक करके भगवान गणेश जी के सामने सिर्फ 20-30 सेकंड 10 सेकंड ऐसे दर्शन करते हुए फटाफट निकलते जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था हम सोच रहे हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।